हे गाइस व्हाट्सअप का हाल चाल कैसे हो आप सब। तो यार अभी गए थे, ठीक है, कहाँ गए थे? गए थे नीट यूजी और यूपी बीएड का, ठीक है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका फॉर्म ऑनलाइन कराने गए थे परसों, ठीक है, परसों 14 दिन गए थे, हो गया था, ठीक है। तो आज गए थे यार, बुलाए थे पेमेंट काटने के लिए, गए देखे पेमेंट था ही नहीं उनके पास, गए पेमेंट नहीं है, जाओ घर, ठीक है। तो यार मैंने अपना पेमेंट यानी जितना पैसा था मेरा, ठीक है, मैं अपना पैसा पूरा ले लिया हूँ, ठीक है, करीब 1,000 इसका 1,000 लग जाएगा हम नीट यूजी का, ठीक है, 1,000 नहीं 1,500 करीब ना, ठीक है, 1,500 करीब लगेगा, ठीक है, 1,500, ठीक, 1,500 लगेगा। और बीएड का लगेगा, है ना, बीएड का कितना लगेगा, 18 कितना लगेगा, 17, 18, 19, 20 कितना लगेगा मेरे को कुछ आइडिया नहीं, ठीक है। तो अभी हाँ क्या बोला भूल गया, ठीक। तो यार अभी यानी कि पेमेंट उनके पास अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए घर भेज दिए, कह रहे थे जा बच्ची तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। और क्या बताया, हाँ सोच रहे थे यार क्या किया जाए, व्हाट आई एम डू जस्ट नाउ, कम ऑन टेल मी क्या करें। इधर बीएड का भर रहे हैं, इधर नीट यूजी का भर रहे हैं, यूपीएससी का भर रहे हैं, किसका एग्जाम देना चाह रहे हो, बहुत कंफ्यूजन है ना, बहुत सारा कंफ्यूजन है, सच बता रहे हैं, ठीक है। तो कैसे हो आप सब, तो व्हाट अप, ठीक है। तो हम अभी जो था क्या है ना स्वेटर, ठीक है, अभी पहने थे यार, ठीक है, ठंडी लग रही थी, गाड़ी से गए थे, पापा के साथ गए थे, ठीक है, तो बढ़िया यार, ठीक है। तो और गए थे हम अपने कॉलेज गए थे, ठीक है, कहाँ गए थे, सुल्तानपुर, ठीक है, यहाँ कॉलेज, हाँ SBN, क्या नाम SBN जोशीनाथ वर्मा PG कॉलेज, ठीक है, देवनगर, ठीक है, वहाँ गए थे, ठीक है, वहाँ से हम BSc किए थे, ठीक है, और NSS, ठीक है, NSS भी कर रहे थे, ठीक है, तो NSS की मार्कशीट लेने गए थे, ठीक है। दरअसल NSS का छूट मिलता है ना 10% 20% यूपी बीएड में, ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें छूट मिलता है, अगर आपके पास फॉर्म है यूपी बीएड का, मतलब है NSS का, ठीक है, तो 10% 20% मार्क्स बढ़ जाता है, मतलब 10 नंबर 20 नंबर, ठीक है, परसेंट नहीं, ठीक है, मार्क्स बढ़ जाता है, अच्छा रहता है, ठीक है, थोड़ा स्कोर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अभी अभी लाइट आई है यार, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यह पसंद आया होगा, का पसंद आया, अरे ब्लॉगिंग, ठीक है। तो यार अभी हम जा रहे हैं, खाना वाना खाएंगे, ठीक है। तो यार करीब यहाँ से करीब 10 बजे गए थे, ठीक है, 10 बजे गए थे, ठीक है, और अभी आ रहे हैं, करीब 4 बज रहा, ठीक है, इधर के वहाँ पर भी 1 घंटा, ठीक, 1-2 घंटा जो भी लगा है कॉलेज में, ठीक है, टीचर से मिले, बढ़िया है, ठीक है, अच्छे। देखो भैया तुमको बता रहे, प्राइवेट जितने भी कॉलेज प्राइवेट है ना, बहुत गंदा खेल है, ठीक है, खेल खेलते हैं बच्चों के साथ, ठीक है। दरअसल यार देखो, कॉलेज में एडमिशन लिखाओगे फिर चक्कर काटोगे कॉलेज का, ठीक है, सच बता रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में बार बार चक्कर काटोगे, बहुत एजुकेशन बिजनेस हो गया है, ठीक है। और हम वहाँ गए थे तो हमारे कॉलेज वाले कह रहे थे बीएड हमारे ही हैं इसके लोग, ठीक है, कहते हैं बेटा वो लोग भागाने के लिए कितना हो रहे थे, ठीक है। तो हर एक बंदा चाहता है भाई साहब, मतलब कि हर एक प्राइवेट कॉलेज चाहता है कि हमारे यहाँ से बीएड करें, ठीक है, बीएड या फिर हमारे यहाँ से बीएससी करें या फिर कोई भी कुछ भी, तो हमारे यहाँ से करें ताकि मैं उसका, ठीक है, फ़ायदा उठा पाऊँ, ठीक है। तो क्या बताएं, ठीक है, अगर आप कहीं से भी कर रहे हैं भाई साहब बहुत ख़राब है, सरकारी कर रहे हैं, हाँ बढ़िया है सरकारी, ठीक है ना, सरकारी बढ़िया है, सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी, सरकारी कॉलेज बढ़िया रहता है ना, प्राइवेट में उतना नहीं फैसिलिटी मिलती है ना, प्राइवेट में क्या होगा, तुम्हारे पैसा को क्या करेंगे, धीरे 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 धीरे
और मांगेंगे और मांगेंगे, ठीक है। तो बीएससी में देखो कितना पेमेंट लग रहा है, ठीक है, बीएससी में लगेगा, ठीक है, फिर तुमको एमएससी करने में लगेगा, फिर उसके बाद पीएचडी में, पीएचडी में प्राइवेट पीएचडी में लगभग 20 लाख करीब लग जाएगा, 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। तो अपने अपने डिमांडिंग से चलते हैं, जैसे कि 5 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है, लगता है पीएचडी करने में, ठीक है, क्या बताएं। देखो मेरा तो पीएचडी कर लेंगे सोच रहे हैं यार, बाकी सब छोड़ दो, सीधे पीएचडी करो एकदम बढ़िया से, ठीक है, उसके बाद रिसर्च करो, साइंटिस्ट बनो, बाकी सब छोड़ दो, आईएएस ओएएस का चक्कर, ठीक है, आईएएस पीसीएस जो भी है, एसएससी सीजीएल और जितने भी बाकी सब हैं, ठीक है, सबको छोड़ दो, सीधे क्या करो, पीएचडी करो, ठीक है, उनके बाद रिसर्च में जाओ, पूरा दम टाइम स्पेंड करो, ठीक है, देश के लिए, दुनिया के लिए नया नया खोज करो, ठीक है ना, बढ़िया रहेगा, इंडियन साइंटिस्ट हैं, बढ़िया है, ठीक है। और वहाँ पर मेरे को पैसा से तनको भी मतलब नहीं रहेगा, बस नॉलेज रहेगा, ठीक है, और मैं अपने नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा ना, मतलब दूंगा भाई, ठीक है, खोज 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 ही बनो, ठीक है। तो बाबा रणछोड़दास छठ कहते हैं बेटा खोज ही बनो, ठीक है, खोजी, ठीक है, मतलब कि नया नया खोज करो यार, ठीक है, इन्वेंशन, ठीक है, इससे तुम्हारा नॉलेज बढ़िया रहेगा, ठीक है, वाइल्ड होगा, ठीक है। तो चलो यार ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इधर मम्मी का, ठीक है, मम्मी का मोबाइल चार्जिंग पे लगा है, ठीक है, और क्या तुमको दिखाना है, चलो दिखाते हैं, बढ़िया यार, ठीक है। आज का मौसम देखो, ठीक है, आज देखो बारिश होने वाली भी है, ठीक है। तो अभी मौसम ऐसा है कि बादल छाए हैं, ठीक, बारिश हो सकती है शाम को, ठीक है, बाकी सब बढ़िया है इधर, ठीक है। तो इधर देखो जो यहाँ पर हम फूल छींटे थे, ठीक है, बिहान, हाँ पापा आ रहे हैं, क्या चीज़, अच्छा आ रहे हैं, ठीक है। तो इधर देखो जो यहाँ पर गेंदा फूल का बिहान डाले थे ना, ठीक है, तो यहाँ पर जो एकदम पूरा एकदम छील दिए थे ना इसको एकदम, ठीक है, तो बहुत ख़राब हो गया था, ठीक है, तो इधर साफ सफाई एकदम कर दिए थे, ठीक है, तो ख़राब हो गया था, बट इधर देखो एक पेड़ इधर बच गया है, ठीक है, बाद में एकदम जामा, ठीक है, इधर है ना गेंदा का फूल, एक मिनट तुमको दिख रहा कि नहीं दिख रहा, एक मिनट कहाँ पर यहाँ पर ना, यही तुमको दिखना चाहिए, यही है, ठीक है, तो यही है, ठीक है, तो बढ़िया। तो मिलते हैं कुछ बेहतर और कुछ नॉलेजबल के साथ, ठीक है। तो मेरे को जाना है यार, ये फार्म कुछ भेजना है, ठीक है, और पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, ठीक है, टाटा बाय बाय।